विधायक महापौर एवं निगम आयुक्त ने महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर शिवनाथ नदी स्थित मामरा घाट का किया निरीक्षण। आयोजन में शहर की जनता को किसी तरह की असुविधा न हो इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर विधायक अरुण वोरा की मंशा के अनुरूप एवं महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी ने प्रभारी अनूप चंदनिया के साथ महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवनाथ तट पर हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल की मंशा के अनुरूप शिवनाथ तट पर कार्यक्रम के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को करने आयुक्त हरीश मंडावी द्वारा निगम अधिकारी कार्यपालन अभियंता आर के पांडे, सहायक अभियंता आर के पालिया, नोडल अधिकारी प्रकाश चंद थामनी को जिम्मेदारियां दी गई है। महापौर धीरज बाकलीवाल के निर्देशानुसार शिवनाथ तट पर श्रद्धालुओं की आस्था के तहत बर्फ का शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। साथ ही 1 मार्च मंगलवार को भव्य शिवनाथ महोत्सव मंडई मेले का आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आयोजित महोत्सव मंडई मेला सुबह 5 बजे दुर्ग शहर की प्राणदायिनी नदी शिवनाथ की महाआरती के साथ शुरू होगा। इस संबंध में संस्कृति पर्यटन विरासत विभाग प्रभारी अनूप चंदनिया द्वारा कहा गया कि रूपरेखा तैयार कर प्रेषित की गई है। फुटकर दुकानदारों के लिए स्टॉल यहां बनाए जा रहे हैं। महापौर धीरज बाकलीवाल ने शिवनाथ तट पर महाशिवरात्रि पर्व के दौरान शहर की आम जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से पर्व को मेले का स्वरूप देने की बात कही है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था यहां की गई है। शिवनाथ तट पर महिला और पुरुष के हिसाब से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। साथ ही पूरा शिवनाथ परिसर की अच्छे से साफ सफाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने बताया कि शिवनाथ मेले कार्यक्रम के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है। वे सभी अपने अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारियों से कर भी रहे हैं। महाशिवरात्रि पर दुर्ग शहर सहित भिलाई और आसपास जिला गांव से यहां पर लोग आएंगे। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए एक निर्धारित स्थान पर पंडाल भी लगाए जाएंगे और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। महाआरती और शिवलिंग रुद्राभिषेक की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में महापौर ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाशिवरात्रि को लेकर नगर निगम चूक द्वारा महामरा घाट शिवनाथ के घाट में अभिषेक को लेकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी होगा। घाट की सफाई बहुत अच्छे से हम लोगों ने की है और महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। प्रकाश व्यवस्था, पानी व्यवस्था और दिन भर वहाँ भजन कीर्तन चलता रहेगा। हम सब की यही कामना है कि भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे दुर्ग शहर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और श्रद्धालुओं के लिए भी वह शिवलिंग बनाई जाएगी। श्रद्धालु वहाँ जाके किसी भी समय में भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और वहाँ पुजारी भी रहेंगे। तो पूरा विधि विधान के साथ वहाँ पूरी तैयारी की गई। मैं नगर निगम प्रशासन की पूरी टीम वहाँ लगी है। हमारे MIC के साथी अनूप चंदनिया वहाँ पे मौजूद रहेंगे, पूरे कार्यों को देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो पूरे मुस्तैदी से वहाँ तैनात हैं। और मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोग आके भगवान शिव का अभिषेक कर शहर के सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।